रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा, पेकोंग लेक इलाके से भारत चीन दोनों सेना हटाने के लिए तैयार। राहुल गांधी बोले, भारत की जमीन जाने क्यों दे रही है सरकार, ये शहीदों का अपमान। उत्तराखंड त्रासदी के बाद जारी राहत और बचाव का काम धौली गंगा में फिर जलस्तर बढ़ने से रुका। प्रशासन ने आसपास के गांवों के लोगों से चौकन्ना रहने की दी हिदायत। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में एक रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि जय श्री राम बोलना गुनाह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम में लगाई डुबकी, खुद नाव चलाकर पहुंची घाटी पर। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने प्रदर्शनकारियों की कुत्तों से की तुलना, विपक्ष ने की आलोचना, कहा मुख्यमंत्री मांगे माफी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ जारी किया प्रतिबंध लगाने का आदेश, कहा आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन को तुरंत रिहा करे सेना। ट्विटर को लेकर भारत सरकार सख्त, कहा भारतीय कानूनों का पालन करे ट्विटर, कुछ अकाउंट को प्रतिबंधित करने के आदेश के पालन में देरी से बढ़ी नाराजगी। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रोना विल्सन के कंप्यूटर में प्लांट किया गया था साजिश रचने का सबूत, अमेरिकी फॉरेंसिक डिजिटल कंपनी आर्सेनल की जांच रिपोर्ट में दावा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की दिल्ली घेरेबंदी का आज 78वां दिन, संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 फरवरी को दोपहर 12 से 4 बजे तक देश भर में रेल रोकने का किया ऐलान।